हेलो। अब इस वीडियो में मैं सर आपको बताता हूँ कि उस फाइल को एक्टिवेट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको हमने ईमेल में जो फाइल सेंड किया है अटैच करके, उसको आप डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने उस वो फाइल डाउनलोड होने के बाद उसको वहाँ से आप कॉपी करके आप कोई भी ड्राइव में, सी या डी या ई, कोई भी ड्राइव में आप उसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि सपोज आपने उसको कॉपी करके डी ड्राइव में पेस्ट किया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपने उसको कॉपी करके उसको यहाँ पे डी ड्राइव में आपने यहाँ पे उसको कहीं पे भी ये राइट क्लिक करके आपने उस फाइल को पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये वाला जो फाइल है आइटम इमेज डॉट टी सी पी वाला फाइल, आपने उसको यहाँ पे डी ड्राइव में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको टैली चालू करना है। टैली चालू करने के बाद आपको F1 हेल्प में जाना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे TDL एंड एडॉन्स में जाना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो F4 है मैनेज लोकल TDLs उसमें जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ना ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको यस करना है, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज मान लो कि आपके पास ऑलरेडी दूसरी फाइल कुछ लोडेड है, ठीक है, तो इस तरह से वो सारे फाइल के नेम यहाँ पे आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, उस एंटर एंटर करके लास्ट जो नया लाइन है उसमें आना है एम्प्टी रो पे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई यहाँ पे कोई भी आपके फाइल मेंशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपका फाइल मेंशन नहीं है, ओके, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट रो पे ही उस फाइल को ऐड करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ऑलरेडी कुछ फाइलें लोडेड है, ठीक है, मेरे इस सिस्टम में, इसलिए मैं यहाँ पे इसको नो करके मैं यहाँ पे नया जो ब्लैंक रो है उसमें मेरा कर्सर आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें ये जो है स्पेसिफाई पाथ उस पर एंटर करना है, और यहाँ पे डी कॉलन स्लैश लिख के एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा डी ड्राइव आ जाएगा लिखा हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे इस लिस्ट में से आपको उस फाइल का नाम सिलेक्ट कर देना है, आइटम इमेज डॉट टी सी पी, और एंटर करके उसको प्रेस करना है, और ये जो लोड TDL वाला जो ऑप्शन है उसको आपको यस कर देना है, एंटर एंटर करके आपको सेव कर देना है, ठीक है। तो ये फाइल एक्टिवेट हो गया। फाइल एक्टिवेट हो जाने के बाद यहाँ पे जो फाइल का नाम लिखा है आइटम इमेज और यहाँ पे लोडेड लिखा हुआ आएगा, ठीक है, तो ये फाइल एक्टिवेट हो गया है। अगर आपका सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं, लोडेड लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप हमें कॉल कीजिएगा, ठीक है, तो या व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपका सिस्टम ऑनलाइन एक्सेस करके देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसको हम सॉर्ट आउट करके दे देंगे आपको, ठीक है सर। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि F6 एडॉन फीचर्स में जाना है, और यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको यस करना है, और यहाँ पे आपको एक पाथ देना है कि जहाँ पे आपके सारे इमेजेस आप सेव करोगे, ठीक है, और वहाँ से आप उसको आइटम के साथ लिंक करोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेरा एक पाथ दे दिया है कि मेरा जो इमेजेस सब पड़ा है डी के अंदर माय एडॉन्स में, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग एज अ प्रोडक्ट करके एक दूसरा फोल्डर है, उसके अंदर शर्ट रेटिंग्स करके एक तीसरा फोल्डर है, उसके अंदर मेरे सारे इमेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको एक पाथ दे दिया, ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे डी के अंदर, डी ड्राइव में गया मैं, उसके बाद माय एडॉन्स, उसके बाद ये जो है शर्ट मैन्युफैक्चरिंग एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद ये जो है शर्ट रेटिंग्स, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने वो इमेजेस रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये पूरा पाथ मैंने यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल सी करके कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल ऑल्टर वी करके पेस्ट कर दिया। तो
तो आपको इस तरह से एक डिफॉल्ट फोल्डर बनाना पड़ेगा और जिसमें जिसका आपको यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा कि उस फोल्डर में से आपने सारे इमेजेस उस फोल्डर में रखे होंगे, आप वहाँ से उसको आइटम के साथ लिंक करोगे। एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब भी आप आइटम क्रिएट करने जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे इस तरह से ये ऑप्शन आएगा, इमेज पाथ में तो बाय डिफॉल्ट वो पाथ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा पूरा एक लिस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से इस आइटम का जो इमेज है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर एंटर करके सेव कर लेना है। ओके, अब जैसे आपको आइटम देखना हो तो जैसे जब आइटम मास्टर में भी आप इस तरह से इमेज को देख सकते हो, उसके अलावा यहाँ पे व्यू इमेज को आप क्लिक करोगे तो भी आप आइटम के साथ जो इमेज अटैच किया हुआ है वो देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे गेटवे टैली पे ये शो आइटम इमेज करके जो बटन है उसको आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आपका जो भी आइटम का नाम है वो टाइप करके सर्च करके आप उसके ऊपर एंटर प्रेस करोगे तो आपको उसका इमेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे आप जब भी स्टॉक समरी में जाओगे और आपको मान लीजिए कि ये मेरा आइटम है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टॉक अभी क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, मुझे ये देखना है इसका इमेज, तो उस आइटम पे आपका कर्सर होगा, ठीक है, और आप ये शो इमेज वाला बटन क्लिक करोगे तो भी आपको ये इमेज डिस्प्ले हो जाएगा, या तो कंट्रोल वन करके आप शॉर्ट की प्रेस करोगे तो भी आपको इमेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच।